चंडीगढ़ 22 पुलिस चौकी से कैदी फिल्मी स्टाइल में हुआ फरार। कोरोना रिकवरी में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, स्वास्थ्य विभाग के रिकवरी आंकड़ों में सबसे बेहतरीन 82.3 रिकवरी रेशो। शुक्रवार तड़के ही लद्दाख में जवानों के चेहरे तब खिले उठे जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से लद्दाख पहुंचा देखा। उनके साथ CDS विपिन रावत और सेना प्रमुख मौजूद रहे। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं कोरोना की वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोरियोग्राफर्स की ग्रैंड मदर कही जाने वाली सरोज खान नहीं रही, एक समय माधुरी को सिखाया था डांस। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश जिला कानपुर में 8 पुलिस वालों का बदमाशों ने किया एनकाउंटर, दबिश करने गई थी यूपी पुलिस। CM योगी बोले, बचकर नहीं जाएंगे बदमाश। आपको बता दें कि 3 दिन पहले हरियाणा में भी रात को गश्त पर निकले 2 पुलिस के जवानों को बदमाश ने मार गिराया था। अंबाला की सेंट्रल जेल कोरोना की चपेट में आने लगी है। आज अंबाला की सेंट्रल जेल में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। आज अंबाला की सेंट्रल जेल में लगभग 50 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। पारिवारिक झगड़े के मामले में अंडर ट्रायल महिला बंदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है जो 29 को कोर्ट ऑर्डर से अपनी बेटी की शादी हो गई थी, तो उसके 29 को टेस्ट के बाद हमारे पास आई थी, तो वो एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। इसमें हम इसको आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल भेज रहे हैं और बाकी सारे ब्लॉक को क्वारंटाइन करके उनको टेस्ट करवा। पंजाब में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विमासिक मूल्यांकन करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट होंगे। डायरेक्टर SERT ने गुरुवार को डेटशीट जारी कर दी। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार COVID-19 के मौजूदा स्थिति के मद्देनजर 6वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सब्जेक्टिव टेस्ट टीचर स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ऑनलाइन लिए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।